नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं स्वाति। अगली खबर में बात करते हैं आगर की, जहां देश भर के तंत्र साधकों के लिए सबसे जागृत मानी जाने वाली मां बगलामुखी का मंदिर मध्य प्रदेश के आगर जिले के नलखेड़ा में लखुंदर नदी के किनारे है। मंदिर में तंत्र साधना के साथ मिर्ची यज्ञ और ऐसे अनुष्ठान होते हैं जो आम मंदिरों में नहीं होते। यहाँ शत्रु के नाश, कोर्ट केस के निपटारे के लिए विशेष पूजन होता है। निसंतान दंपति भी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। आम भक्त ही नहीं, साल भर यहाँ वीआईपी भक्त भी आते हैं। जयप्रदा से लेकर स्मृति ईरानी तक माँ के दरबार में माथा टेक चुकी हैं। मंदिर आगर जिले से 35 किलोमीटर दूर है। मंदिर में एक साथ तीन प्रतिमाएं स्थापित हैं। मध्य प्रदेश में माँ बगलामुखी दाएं माँ लक्ष्मी तथा बाएं माँ सरस्वती हैं। प्रतिमाएं स्वयंभू हैं, यानी ये खुद प्रकट हुई हैं। मंदिर चारों ओर से शमशान से घिरा है, इस कारण ही यहाँ सबसे ज्यादा तंत्र क्रियाएं होती हैं। पुजारी हरि ओम गुरु ने बताया कि माँ बगलामुखी की उपासना और साधना से माता वैष्णो देवी और माँ हरिसिद्ध के समान ही साधक को शक्ति के साथ धन और विद्या की प्राप्ति होती है। सोने जैसे पीले रंग वाली, चांदी के जैसे सफेद फूलों की माला धारण करने वाली, चंद्रमा के समान संसार को प्रसन्न करने वाली स्त्री शक्ति का देवीय स्वरूप मनोकामनाएं पूर्ण करता है। माँ को सोने की नथनी, कान के बाले, मंगलसूत्र के साथ स्वर्ण की परत भी चढ़ाई जाती है। नवरात्रि के दौरान बगलामुखी माता मंदिर में घट स्थापना के बाद माता का अलग अलग दिन श्रृंगार किया जाएगा। नवमी के दिन गांव के पटेल परिवार की ओर से हवन के बाद जवारे को नदी में कमाने की प्रक्रिया पूरी की जाती है। श्रद्धालु इस जुलूस में शामिल होते हैं। इस दौरान कामाख्या मंदिर गुजरात, मध्य प्रदेश सहित अलग अलग इलाकों से यहां तंत्र साधना के लिए भक्त पहुंचते हैं। 10 महाविद्या होती है, काली, तारा, षोड़शी, भुवनेश्वरी। इस क्रम में आठवां अवतार जो हुआ है वो मां बगलामुखी माता का है। ये तांत्रिक देवी माना गया है।